राखु शरण अब तु जीवन हारी नाक कान डुबण लई कृष्ण को पुकारी। सर्व मंगल मंगल ने शिवे शर्वार्थ शादी के शरण ने त्रिंबकी गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार साथियों, मेरे नाम है नीरज खंडूड़ी और स्वागत करता हूँ आप सभी का उत्तरकाशी चिन्याली शौर के खूबसूरत गांव गडोली से। तो साथियों, आज है 21 मार्च 2024 प्रातःकाल का समय है और अभी मैं अपनी क्यारियों को पानी दे रहा हूँ, सगोड़े को। तो चलो आज का ब्लॉग शुरू करते हैं और इसके बाद फिर मुझे हल लगाने जाना है। तो चलिए, और सूर्यदेव भी आज थोड़ा हल्के रूप में आ रखे हैं। गुड़ियों ये चले मेरे बैल और गाय माता। ले तो साथियों पहुंच चुके हैं खेतों में। वो नीचे आधा खेत लगा रखा है, आधा लगाते हैं फिर ये लगाने हैं, ये वाले खेत हैं। चलो खेत में पहुंच चुके हैं और आजकल का मॉर्निंग रूटीन यही है, बैल को जोड़ दिया है। अब चलो हल लगाता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे आगे। लगा दिया है पूरा खेत और वो छोटा खेत उधर पर भी लगा दिया है, और ज्वार एक साथ लगाऊँगा, ऊपर वाला खेत भी लगा देता हूँ, फिर लगाएंगे एक साथ ज्वार, है ना। तो चलिए, ये है दो बैलों की जोड़ी और देखिए ये वाला मुर्रा भी लगाया मैंने अभी, ये वाला आधा खेत, और चलते हैं ऊपर फिर, है ना। तो साथियों दो तीन खेत लगा दिए हैं नीचे, अब छानी वाले खेत के पास आ गया हूँ। ये देखिए ऊपर पे छान है और यहाँ पे छोटा सा खेत है। छोटे खेत को हमारे यहाँ मुर्रा बोलते हैं, मुर्रा नैरो जो खेत होते हैं ना उनको मुर्रा बोलते हैं। साथियों हल लगा दिया है, अब जो लगाना है तो ये ज्वाल जोड़ दिया है बैल में। इसमें डंडा नया लगाया ताऊ जी ने आज, कल वाला छोटा हो रहा था। चलो अब ज्वाल लगाते हैं, फिर मिलते हैं आप। तो साथियों आज हमारा खेत जो बहाने के लिए थे, भाड़ा के लिए थे, मतलब जब खेत ऐसे बच जाते हैं कुछ समय तक, दो तीन महीने तक ऐसे छूट जाते हैं, तो उनको पहले बांधते हैं फिर उसमें बुआई के लिए दूसरा हल लगता है। तो भाई ये लेमन आज अब सीधी बुआई हो गई है ना, तो चलते हैं घर। साथियों बैल को जो चराने खोल रखा था ये घर आ चुके हैं, इनको फिर छानी में ले जाना पड़ रहा है। और मेरे साथ आ रही है छोटी भतीजी, इनको छानी में बांध के आते हैं फिर घर आते हैं, है ना। घर में जगह नहीं है इनके लिए, इसलिए छानी में ही बांधते हैं इनको। चल तो साथियों बैलों को बांध दिया है छानी के अंदर, इनके लिए भी घास भी डाल दिया है, अब चलते हैं घर के लिए। भेड़ मेंढू होते देखा होते हैं डरते थे। ताऊ जी यहाँ पे भी मिल काट रहे हैं।
है। और साथियों बैलों को छानी में बांध दिया है और दादी जी तब अकेली रहती है साथी घर में। जब हम काम जाते हैं, जैसे मैं सुबह हल लगाने जाता हूँ, माता भी मेरे साथ आती है, पिताजी ड्यूटी रहते हैं, तो दादी जी अकेले रहती। तो अभी मैं छानी से घर आ रहा था तो दादी भजन गुनगुना रही थी, तो दादी सुनो दे जरते भजन है। ये गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारी, ये गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारी, नाक कान डुबण लई कृष्ण को पुकारी, ये गोविंद राखु शरण अब तो जीवन हारी, ये गोविंद राखु शरण अब तो जीवन हारी, नाक कान डुबण लई कृष्ण को पुकारी, ये गोविंद ये गोपाल अब तो जीवन हारी, नाक कान डोण लई कृष्ण को पुकारी, ये गोविंद राखु शरण अब तो जीवन प्रहलाद को। हाँ बोले, कहे भक्त प्रहलाद पिताजी हरि का भजन मुझ करने दी, जय पिता मेरे श्री कतल कर हरि का भजन मैं नहीं छोड़ू, हरि का भजन मुझ करने दे गुप्त खजाने भरने दे, बाबू सागर से तरने दे बाबू सागर से तरने दे, जय पिता मेरे श्री कतल कर हरि का भजन मैं नहीं छोड़ू, बाबू सागर से तरने दी गुप्त खजाने भरने, कंठी मुँह में राम सबको दाता श्री भगवान, गल में कंठी मुँह में राम सबको दाता श्री भगवान, अल्लाह ईश्वर तेरा नाम सबकी सुमति दे भगवान, अल्लाह ईश्वर तेरा नाम सबकी सुमति दे भगवान, जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम, सीता राम राधे श्याम सीता राम राधे श्याम, दे असर का प्यारा नाम जय जय राम जय जय राम, राधे श्याम सीताराम राधे श्याम सीता, काला तू गाड़ी उबा। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की। क्यों आज की वीडियो भी यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपको अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखना, जय हिंद और जय देवभूमि उत्तराखंड।